हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद सेक्शन फोरटीन ऑफ द सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी इससे पहले की वीडियोज़ यू पीपल कैन चेक आउट इन माई प्ले लिस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट अब देखो सेक्शन फोर्टीन क्या बात करता है सेक्शन फोर्टीन डील करता है इट्स टेट्स डेट एम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू दी टाइटल एक्सेट्रा फर्स्ट एन एम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर डैट इन द केस ऑफ अ सेल ही हैज अट टू सेल द गुड्स एंड डेट इन द केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव अ राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम वेन द प्रॉपर्टी इज टू पास सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज वेरी मच ईजी सेक्शन फोर्टीन वो बोलता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो भी होता है वहाँ पे जब तक कॉन्ट्रार इंटेंशन अपेयर नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है सेलर के पार्ट पे डेट इन द केस ऑफ सेल अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है सेलर के पास राइट होता है कि ही हैज सेल द गुड्स इमीडिएटली एंड अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है सेलर के पास राइट होता है डेट ही विल बी सेलिंग द गुड एट द टाइम एन द पास लाइक एक प्रॉपर डेट डिसाइड कर रखें इस पर्टिकुलर डेट पे इस प्रोडक्ट को बनाकर हम आपको गुड्स को डिलीवर कर देंगे सो दैट इज दी अग्रीमेंट टू सेल दिस इज द इम्प्लाइड कंडीशन राइट सो एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग डेट पीपल जनरली इट इज़ सेट दैट इफ अ पर्सन इज हैविंग नो टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज ही डज नॉट हैव अ राइट टू डिस्पोज ऑफ सर्टन गुड्स द बायर जो होता है उन गुड्स का उसके पास राइट होगा कि वो रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को एंड ही कैन क्लेम द प्राइज इफ द सेम हैज ऑलरेडी बीन पेड एंड रिफ्यूज टू पे इफ़ द प्राइज हैज़ नॉट बीन पेड टिल देन अब जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो यू हैव टू सेल दैट प्रॉपर्टी हैविंग द बेटर टाइटल राइट उसका टाइटल होना चाहिए उसके ओनरशिप होनी चाहिए सेलर के पास जब वो बेच रहा है अब if a person हैज़ नो टाइटल टू दी गुड्स और अदरवाइज अगर सेलर के पास क्या नहीं है टाइटल ही नहीं है उस पर्टिकुलर गुड्स का और वो बायर को गुड्स बेच देता है अब बायर ने उसे प्राइस अब पे भी कर दिया सपोज वो फिफ्टी थाउजेंड का प्रोडक्ट था बाय बायर को बायर ने पे कर दिया सेलर को प्राइस भी अब बायर के पास क्या राइट है बायर के पास राइट है कि वो पेमेंट जो उसने करी थी वो अपनी प्राइस को ही कैन से टू द सेलर डेट गिव बैक ऑल द प्राइज वट एवर ही हैज़ पेड टू हिम इफ प्राइज पे नहीं करा है बायर ने देन ही कैन रिफ्यूज टू पे इफ द प्राइज हैज़ नॉट बीन पेड टू दैलर और बायर क्या कर सकता है ही हैज़ अ राइट टू रिजेक्ट दोज गुड्स दिस दिस इज ऑल यू पीपल शुड नो फर्दर सबसे बी पॉइंट जो है फोर्टीन का बी क्लॉस बोलता है दैट एन एम्प्लाइड कंडीशन एन एम्प्लाइड वारंटी डेट द बायर शैल हैव एंड एन्जॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स इट सिंपली मीन्स डैट बायर्स पोजेशन ऑफ द गुड्स विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड एज पर क्लॉज बी ऑफ फोर्टीन सेक्शन फोर्टीन का क्लॉसी जो है वो बोलता है डेट एन इम्प्लाइड वारंटी डेट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंसेज इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नोन टू दी बाय बिफोर और एट द टाइम वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड दिस इज थिंग डेट देर इज़ एन एम्प्लॉय एम्प्लाइड वारंटी अगेंस्ट इनकम्बरेंसेज विच मीन्स डैट ये एक एम्प्लाइड वारंटी होती है डेट जो भी गुड्स सोल्ड करे गए हैं दे आर फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेज इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी इफ देर इज अ चार्ज या फिर कोई इनकम्बरेंस है इनकम्बरेंस को मीन्स कोई बॉर्डन है ऑन दी गुड्स जो सोल्ड करे गए हैं बायर को एंड बायर के पास राइट है ही कैन डिस्चार्ज द सेम एंड इज एन टू गेट फ्रॉम फ्राम सेलर इफ चार्ज और इनकम्बरेंस जो है गुड्स के अगर बायर को पहले से पता थे कि इसमें ये ये चार्जेज हैं ये ये इनकम्बरेंसेज हो सकते हैं गुड्स के अंदर जो अराइज हो सकते हैं फ्यूचर में अगर बायर को ये सब चीज़ें पता थी देन वॉट विल हैपन देन बायर बिकम्स बाउंड बाय द सेम एंड ही डज नॉट हैव एनी राइट टू कलेट कॉम्पन्सेशन फॉर डिस्चार्जिंग द सेम

The new people will get to know more in more details. And thank you so much for watching this video. And do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much.